परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे वंदे गुरु वरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज से पर्युषण महापर्व पर्व शुरू हो रहा है। सभी को पर्युषण पर्व की बहुत बहुत शुभकामना। आपका जीवन ज्यादा से ज्यादा अध्यात्ममय हो ऐसी मंगल भावना। पर्युषण पर्व का शुभारंभ पंच परमेष्टि ध्यान से करें, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। नौकार मंत्र का ध्यान, तो नौकार मंत्र का ध्यान हम करेंगे। अभी करीब करीब पौन घंटे का ध्यान चलेगा हमारा। तो ध्यान, नौकार मंत्र का ध्यान कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको शॉर्ट में बता देता हूं। आप लोग करते भी हो, कई बार हमने पहले भी किया है। तो नौकार मंत्र का ध्यान, पंच परमेष्टि का ध्यान हम करते समय पांच नौकार मंत्र में पांच पद
पांच पद है, नमो अर्हंताणुम, नमो सिद्धाणुम, नमो आयरियाणुम, नमो उवध्यायणुम, नमो लोए सर्पसाहुलम। इन पांच पदों का ध्यान हम करते हैं पांच केंद्रों पर, पांच अलग अलग रंगों के साथ। पांच पदों के पांच रंग निश्चित है, ये हम जानते हैं। नौकार मंत्र के पांच पदों का ध्यान जो करते हैं तो रंग कौन सा कहां पर हमें लेना है। हमारा जो जैन ध्वज जो बना हुआ है, उस जैन ध्वज में आप देखेंगे पांचों रंग उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो अरिहंतों का रंग सफेद, सिद्धों का रंग है नारंगी ऑरेंज या जो उगते हुए सूर्य के समान। आचार्यों का रंग पीला होता है। उपाध्यायों का रंग हरा, चमकता हुआ हरा रंग। और साधु, पांच महाव्रतधारी साधुओं का रंग है नीला, चमकता हुआ नीला। तो पांच पदों के पांच रंग ये हमने जाना। अब इनके केंद्र कौन से है, तो जब हम नमो अरंताणम का ध्यान करते हैं तो हमारा केंद्र होता है ज्ञान केंद्र, मस्तिष्क के बिल्कुल ऊपर जो चोटी का भाग है वहां पर हमारा चित्त केंद्रित होता है। दूसरा पद आता है नमो सिद्धाणम, दर्शन केंद्र भ्रिकुटियों के बीच। तीसरा पद होता है नमो आयरियाणम, तो नमो आयरियाणम जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा चित्त होता है विशुद्धि केंद्र, यहाँ पर रहता है विशुद्धि केंद्र पर। नमो उवध्यायणम, इस पद का ध्यान करते समय चित्त रहता है हमारा आनंद केंद्र पर, छाती के बीचों बीच आनंद केंद्र। और नमो लोए सर्पसाहुलम, इस पद का ध्यान जब हम करते हैं तब हमारा चित्र रहता है शक्ति केंद्र पर, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे का हिस्सा, वहां पर हमारा चित्र रहता है। तो अभी हमने जाना पांच पद, पांच रंग और पांच केंद्र। अब हम ध्यान की पूर्व तैयारी, ध्यान के लिए चार आसन बताए गए, सुखासन, वज्रासन, अर्धपद्मासन या पद्मासन। तो इन चार आसनों में से किसी एक आसन का चयन करना है जिसमें आप आसानी से बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सकते हो, उस आसन का चयन करना है। जरूरत पड़ने पर धीरे से आसन बदला भी जा सकता है। जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं कुर्सी के ऊपर बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं। तो पहले हमें आसन का चयन करना है, चार आसन में से कोई एक आसन चुन लीजिए। आसन का चयन करने के पश्चात मुद्रा का चयन। मुद्रा ध्यान के लिए दो विशेष मुद्राएं बताई गई, ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी अंगुलियों को मिलाते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर रखना है, शेष तीनों अंगुलियां ऊपर छत की ओर या आकाश की ओर खुली हुई। तो ये हो गई हमारी ज्ञान मुद्रा। दूसरी मुद्रा है वीतराग मुद्रा। वीतराग मुद्रा में बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे राइट हैंड ऊपर, दोनों हथेलियों को नाभि के पास गोद में टिका देना होता है, दोनों अंगूठे मिले हुए रहते हैं। तो ये हमारी वीतराग मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा भी इसे ही कहा जाता है। तो वीतराग मुद्रा अगर आप लगा सकते हो तो वीतराग मुद्रा, नहीं तो फिर ज्ञान मुद्रा लगाकर बैठे। मेरुदंड, गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। ये हमारी ध्यान की मुद्रा हो गई, आसन हो गया, मुद्रा हो गई, आंखें बंद। अब हम पहले ध्वनि करेंगे। ध्यान के लिए दो प्रकार की ध्वनि बताई गई है, महाप्राण ध्वनि और अरहम की ध्वनि। जो भी ध्वनि आपको अच्छी लगे आप उस ध्वनि का उच्चारण आप कर सकते हो। तो आज हम अरहम की ध्वनि करने जा रहे हैं, पांच बार अरहम की ध्वनि। हाँ
सूत्र संपेक्ख आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। पर्युषण पर्व हमें अपने आप को देखने की प्रेरणा देता है। तो अभी हमने जो सूत्र का उच्चारण किया, इसका अर्थ भी यही है, अपने आप को देखो। अपने अंदर झांकने का प्रयोग, ध्यान का पहला चरण कायोत्स, शरीर को स्थिर शिथिल और तनाव मुक्त करे, शरीर की पकड़ को छोड़ दे, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दे, शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन कर, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दे और शिथिलता का अनुभव करे। पहले सुझाव, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए।
शिथिल हो जाए। शिथिल हो अनुभव करें। शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा। शिथिल हो रहा। शिथिल हो पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। अनुभव कीजिए, पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। कायोसर की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। ध्यान का अगला चरण मंत्र प्रेक्षा या नौकार मंत्र ध्यान। चित्त को ज्ञान केंद्र पर केंद्रित करें। ज्ञान केंद्र मस्तिष्क के बिल्कुल ऊपर चोटी का भाग। चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान। ज्ञान केंद्र पर चमकीले सफेद रंग में नमो अरहंताण इस मंत्र का साक्षात्कार। अनुभव करें, ज्ञान केंद्र पर चमकते हुए सफेद अक्षरों में नमो अरहंताण ये मंत्र लिखा हुआ है। बंद आंखों से उस मंत्र का साक्षात्कार करें। ज्ञान केंद्र पर श्वेत रंग में नमो अरहंताणम मंत्र का साक्षात्कार करते हुए तल्लीनता के साथ तन्मयता के साथ मंत्र का उच्चारण 5 बार बिल्कुल तल्लीनता के साथ। नमो
नमो अरहंता, नमो अरहंता, नमो नमो अरहंता। मैं अरिहंतों को नमस्कार करता हूं। अब मानसिक जप, मन ही मन प्रथम पद का उच्चारण, नमो अरहंता, नमो अब चित्त को ज्ञान केंद्र से हटाकर दर्शन केंद्र पर ले आइए। दर्शन केंद्र दोनों भ्रकुटियों के बीच, चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए अरुण रंग का ध्यान। अरुण रंग उगते हुए सूर्य के समान चमकता हुआ, बिल्कुल गोल्डन कलर। अनुभव करें दर्शन केंद्र पर अरुण रंग में नवो सिद्धार्थ, यह मंत्र लिखा हुआ है। बंद आंखों से अरुण रंग में नमो सिद्धार्णम मंत्र का साक्षात्कार। दर्शन केंद्र पर चमकते हुए अरुण रंग में नमो सिद्धार्णम मंत्र का साक्षात्कार करते हुए तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ मंत्र का उच्चारण। नमो सिद्धा, नमो सिद्धा, नमो सिद्धा, नमो सिद्धा, नमो
मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूं। अब मंत्र का उच्चारण मानसिक या मनी मन तल्लीनता के साथ। नमो अब चित्त को दर्शन के अंदर से हटाकर विशुद्धि केंद्र पर ले आइए। विशुद्धि केंद्र कंठ का स्थान। चित्त को विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए पीले रंग का ध्यान। चमकता हुआ पीला रंग सूर्यमुखी के फूल के समान या सरसों के फूल के समान चमकता है। अनुभव करें विशुद्धि केंद्र पर चमकते हुए पीले रंग में नमो आयरियाण ये मंत्र लिखा हुआ है। बंद आंखों से पीले रंग में नमो आयरियाण मंत्र का साक्षात्कार। विशुद्धि केंद्र पर पीले रंग में नमो आयरियाणम मंत्र का साक्षात्कार करते हुए तल्लीनता के साथ मंत्र का उच्चारण करें। नमो आयरिया नमो आयरिया नमो आयरिया नमो आयरिया नमो मैं आचार्यों को नमस्कार करता हूं। मंत्र का उच्चारण मनी मन मानसिक।
अब चित्त को विशुद्धि केंद्र से हटाकर आनंद केंद्र पर ले आइए। आनंद केंद्र छाती के बीचों बीच हृदय के पास, चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए हरे रंग का ध्यान, चमकता हुआ हरा रंग पन्ने के समान चमकता हुआ। अनुभव कीजिए आनंद केंद्र पर हरे रंग के अक्षरों में नमो उवज्जाया, यह मंत्र लिखा हुआ है। बंद आंखों से नमो उवज्जायाणम मंत्र का साक्षात्कार। आनंद केंद्र पर हरे रंग में नमो उवज्जायाणम मंत्र का साक्षात्कार करते हुए तल्लीनता के साथ मंत्र का उच्चारण करें। नमो उवज्जाय नमो उवज्जाय नमो उवज्जाय नमो उवज्जाय नमो उवज्जाय नमो उवज्जाय मैं उपाध्यायों को नमस्कार करता हूं। अब मंत्र का उच्चारण मानसिक मनी मन तल्लीनता के साथ। अब चित्त को आनंद केंद्र से हटाकर शक्ति केंद्र पर ले आइए। शक्ति केंद्र रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे का स्थान, चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए नीले रंग का ध्यान, चमकता हुआ नीला रंग मयूर कंठ के समान। अनुभव करें शक्ति केंद्र पर चमकीले नीले अक्षरों में नमो लोए सब साहु, यह मंत्र लिखा हुआ है। नीले रंग में नमो लोए सब साहुणम मंत्र का साक्षात्कार करें। चमकीले नीले रंग में नमो लोए सब साहुणम इस मंत्र का साक्षात्कार करते हुए तल्लीनता के साथ मंत्र का उच्चारण करें। नमो लोए सब साहुणम नमो लोए
साहू नमो लो सब साहू नमो लो सब साहू नमो लो सब साहू नमो लो सब साहू। मैं लोक के सभी साधु साधियों को नमस्कार करता हूं। अब मंत्र का उच्चारण मानसिक मनीमन तल्लीनता के साथ नमो समसाहु नमो ध्यान का अगला चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। ज्योति केंद्र हमारे ललाट के मध्य भाग पर, चित्त को वहां पर केंद्रित करें, ललाट के बीचों बीच चित्त को केंद्रित करते हुए चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान, सफेद रंग का ध्यान, अनुभव करें। आकाश में पूर्णिमा का चांद उग रहा है, चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। आकाश में पूर्णिमा का चमकता हुआ चांद उग आया है, श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। क्रोध शांत हो रहा है, क्रोध शांत हो रहा है, क्रोध शांत हो रहा है। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैला दें और अनुभव करें श्वेत रंग के परमाणु
सफेद रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं। श्वेत परमाणु ललाट के अंदर तक फैलते जा रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत परमाणुओं से भर रहा है। पूरा ललाट सफेद रंग के परमाणुओं से भर गया है, बाहर से भी अंदर से भी। केवल सफेद रंग दिखाई दे रहा है, ओनली व्हाइट। सफेद रंग शांति का प्रतीक, परम शांति का अनुभव करें, परम आनंद का अनुभव करें। परम शांति, परम आनंद की अनुभूति। शरीर में अगर जरा सी भी हलन चलन हो रही हो तो उसे रोकने का प्रयास करें। काय गुप्ति, गहरे आनंद का अनुभव। गहरे गहरे आनंद की अनुभूति। दो तीन लंबे श्वास भरे और लंबे श्वास छोड़ें। विवेक सूत्र अपना सच में से मैं भूए सुखा पाए। अपना सच में से मैं भूए सुखा पाए। अपना सच में से जा मैं तीन भुए सुखा पाए। स्वयं सत्य खोजे सबके साथ मैत्री कर। आ हंसो विज्जा
चरणं पमोखं आहंसो विज्जा चरणं पमोखं आहंसो विज्जा चरणं पमोखं। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन कर। शरण सूत्र, दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए, अरहंते शरणम पवच्चामि सिद्धे शरणम पवच्चामि साहू शरणम पवच्चामि केवलीपन्नतम धम्मम शरणम पवच्चामि अरहंते शरणम पवच्चामि सिद्धे शरणम पवच्चामि साहू शरणम पवच्चामि केवलीपन्नतम धम्मम शरणम पवच्चामि अरहंते शरणम पवच्चामि सिद्धे शरणम पवच्चामि साहू शरणम पवच्चामि केवलीपन्नतम धम्मम शरणम पवच्चामि। श्रद्धा सूत्र, आंखों को बंद रखते हुए आसन बदलते हुए वंदनासन में आ जाए और तीन बार सत्य की वंदना। मेरुदंड गर्दन सीधी, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, बंदे का उच्चारण करते समय सीधे रहेंगे, सत्सम कहते समय श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है और श्वास भरते हुए वापस उतराना है। इस क्रिया को तीन बार दोहराना है। वंदे सत्सम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, दोनों हथेलियों को संपुट बनाते हुए, हथेलियों को कटोरी नुमा बनाते हुए आंखों के ऊपर रखें और अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं, खोले बंद करें। धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए आंखों को खोल दें। ओम आराम। आसन बदलते हुए सुखासन में आ जाए।